नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर स्टार्ट करते हैं ग्रामर में अगले पार्ट की क्लास नंबर हमारी 4। क्लास नंबर 4 में आज हम ग्रामर के कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि आपके एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, एसएससी, जीडी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे आपके सपनों को साकार करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और जैसे कि ग्रामर में अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, उसी में आज की ये हमारी अगली क्लास है ग्रामर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, एक होता है मोस्ट और एक होता है मोस्टली। इन दोनों में क्या फर्क होता है और किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी बात करेंगे अपन। और साथ ही साथ अपन बात करेंगे एक टू मच की और मच टू की, टू मच और मच टू की भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मैनी और मैनी ए, मैनी ए या ए एन भी हो सकता है ये, मैनी या मैनी ए एन। और साथ ही साथ इसके साथ हम जब मेनी की बात आ गई है तो अपन मच की भी बात इसके साथ करेंगे। तो आज के ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जिनके ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मोस्ट और मोस्ट की मोस्टली की बात करें तो मोस्ट का अर्थ होता है अत्यधिक। मोस्ट का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। और मोस्टली का अर्थ क्या होता है? मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर, ज्यादातर, अधिकतर या ज्यादातर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मोस्टली मोस्टली एवरी स्टूडेंट, मोस्टली एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग बुक्स, और एन ई इट मीन्स नो एरर। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये है सेंटेंस का डी पार्ट। अब अपन से एरर पूछा जा रहा है, लेकिन अभी अपने बात करेंगे एरर क्या है। हम सिर्फ मोस्ट और मोस्टली वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है ही इज मोस्टली, ही इज मोस्टली एबसेंट फ्रॉम दिस क्लास, फ्रॉम दिस क्लास। वह हमेशा इस क्लास से एबसेंट रहता है। तो ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट, और ये है डी। ही इज मोस्टली एबसेंट फ्रॉम दिस क्लास। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ही मीट्स मी, ही मीट्स मी मोस्टली मोस्टली एवरी संडे, मोस्टली एवरी संडे और नो एरर। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये है डी। इसी तरह फिर क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर नो एरर। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये है डी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एक अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आई कॉल हिम मोस्टली एवरी डे, मोस्टली एवरी डे, मैं मोस्टली प्रत्येक दिन उसे कॉल करता हूँ। एन ई से समझ लीजिए आप कि ये नो एरर है, और ये बी पार्ट
और ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। अब दोस्तों हमने यहाँ पर मोस्ट और मोस्टली का अर्थ आपको बता दिया है। मोस्ट का अर्थ होता है अत्यधिक और मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको बताना है इसमें एरर क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर रूल बता दूँ एक कि ये जो मोस्टली होता है मोस्टली ये एवरी से पहले कभी नहीं आता। एवरी अगर एवरी है तो यहाँ देख लो आप कि अगर मान लो यहाँ पर हमने मोस्टली लिखा है और उससे पहले सेंटेंस में एवरी है तो आप एवरी से पहले मोस्टली कभी नहीं लिख सकते। ये हमेशा गलत होगा। एवरी से पहले मोस्टली नहीं आएगा तो फिर सवाल ये उठता है फिर क्या आएगा? तो आएगा ऑलमोस्ट। क्या आएगा? ऑलमोस्ट। ऑल में मोस्ट लिख सकते हो आप, एक वर्ड और भी लिख सकते हो आप नियरली, बट आप मोस्टली नहीं लिख सकते। एवरी से पहले मोस्टली का यूज कभी नहीं होगा, चाहे खाली एवरी हो, चाहे एवरी मंथ हो, चाहे एवरी वीक हो, चाहे एवरी डे हो, चाहे एवरी संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो। जहां एवरी वर्ड आ गया वहां पर हम मोस्टली का यूज नहीं करेंगे उससे पहले। तो वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं, नियरली यूज कर सकते हैं। तो पहला ही सेंटेंस देख लो, एवरी वर्ड आ रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एवरी वर्ड आ रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर मोस्टली यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? ऑलमोस्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस, एरर कहाँ है सेंटेंस के ए पार्ट में? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग दिस बुक। तो याद रखना है एवरी से पहले मोस्टली नहीं आएगा, ऑलमोस्ट आएगा। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग बुक्स, तो ये सेंटेंस का सही आंसर है, ए पार्ट में एरर है। दूसरा हमने देखा ही इज मोस्टली एबसेंट फ्रॉम दिस क्लास। हाँ, इसमें मोस्टली का यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ एवरी का यूज नहीं है और मोस्टली का अर्थ क्या है? अधिकतर। तो ही इज मोस्टली एबसेंट फ्रॉम दिस क्लास, इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस क्लास से अधिकतर एबसेंट रहता है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? ही मीट्स मी मोस्टली एवरी संडे। फिर एवरी आ रहा है और एवरी से पहले मोस्टली लिखा है तो एवरी से पहले मोस्टली का यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी गलत है ये, और इसकी जगह क्या होना चाहिए था? इसकी जगह होना चाहिए था ऑलमोस्ट। तो ये इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए, ही मीट्स मी ऑलमोस्ट एवरी संडे। फिर है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अत्यधिक इंपॉर्टेंट है तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। फिर हम कहते हैं आई कॉल हिम मोस्टली एवरी डे, आई कॉल हिम मोस्टली एवरी डे। फिर एवरी आ रहा है तो फिर मोस्टली का यूज नहीं हो सकता। फिर क्या यूज हो सकता है? फिर यूज हो सकता है ऑलमोस्ट। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आ गया होगा। कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ भी नहीं है कि आपको ये देखना है कि एवरी आ रहा है ना तो एवरी से पहले मोस्टली नहीं आएगा, क्या आएगा उसके बदले? ऑलमोस्ट आएगा या नियरली भी आ सकता है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? टू मच और मच, मच टू, सॉरी यहां पर खाली मच लिखा है मैंने, ये मच टू होगा। टू मच और मच टू, ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या कहता है इसके संबंध में जानते हैं। चलिए यहां देखते हैं। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टू मच। एक तो है टू मच, ओके, और एक है मच टू। टू मच और मच टू। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टू मच को क्या बोलते हैं हम और मच टू को क्या बोलते हैं। टू मच क्या है और मच टू क्या है? टू मच जो है ना दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव होता है। टू मच एक एडजेक्टिव होता है और ये जो मच टू है ना, ये एडवर्ब होता है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है? एक जैसा ही तो, बस टू उधर पहले है इधर बाद में है। तो फिर मुझे पता कैसे चला कि ये टू मच एडजेक्टिव है और ये मच टू एडवर्ब है? मुझे इसे पता चला क्योंकि मैं जानता हूं कि टू मच जो है, टू मच जो है ये किसी नाउन से पहले आता है, ये किसी नाउन से पहले आता है और जो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आता है। तो नाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव ही बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और जो टू मच है, सॉरी मच टू जो है, ये किसकी क्वालिटी बताता है? बड़ा लिख देते हैं हमने थोड़ा सा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है ना इसके साथ आता है, कौन? टू मच टू। मच टू एडजेक्टिव के साथ आता है, टू मच नाउन के साथ आता है। और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखें, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, रुकिए। अगर अपन ऐसे समझें कि जो टू मच है, टू मच का यूज नाउन से
होता है। टू मच का यूज नाउन से पहले होता है और इसलिए एडजेक्टिव है, और मच टू जो है इसका यूज एडजेक्टिव से पहले होता है, और ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है इसलिए ये एडवर्ब है। तो आपको इस तरह से इसको यूज करना है कि आप ऐसे समझ लो, चाहे टू मच के बाद नाउन आती है और मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और नाउन और एडजेक्टिव में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस पता है। नाउन कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग होता है, जबकि एडजेक्टिव कोई भी क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है। तो टू मच के बाद तो हमेशा नाउन आता है और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं कि ही हैज टू मच, ही हैज टू मच बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में टू मच बुक्स हैं। अब ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये सेंटेंस का है सी पार्ट, और ये है सेंटेंस का डी पार्ट। अब हमने देखा यहाँ पर टू मच है, और टू मच के बाद बुक्स क्या है, नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। टू मच के बाद नाउन आता है, नाउन आ रहा है तो सही है। अगर यहाँ मच टू होता, ये वाला होता कि ही हैज मच टू बुक्स, तो ये गलत हो जाता। मान लो कि मैं ऐसे लिखता, आई हैव मच टू नॉलेज नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मान लो ये सेंटेंस है कोई एरर का। अब मैंने लिखा यहाँ ये सेंटेंस का ए पार्ट, और ये सेंटेंस का हो गया बी पार्ट, ये हो गया सेंटेंस का इतना बड़ा चलो सी पार्ट, और ये हो गया डी पार्ट। अब नॉलेज, नॉलेज तो नाउन होता है, नॉलेज माने ज्ञान, ज्ञान कोई नाउन होता है। अब यहां पर मैंने इससे पहले क्या यूज किया है, मच टू, मच टू के बाद तो एडवर्ब आता है, इसका मतलब यहाँ नाउन आए। तो ऐसा नहीं है कि आप मच टू को तो सेम रहने दो और नॉलेज को जो है वो एडजेक्टिव बना दो, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको बदलना पड़ेगा, अगर इधर नाउन है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा टू मच। तो ये ऐसे होगा, आई हैव टू मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो और सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस ये है कि ही गेव हिज पेरेंट्स टू मच पेन। ऐसे देखें तो टू मच क्या है, टू मच ये रहा, टू मच क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आनी चाहिए, तो पेन नाउन ही है, दर्द नाउन है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि अच्छा, मैंने ये उदाहरण नहीं दिया कि मच टू वाला कोई उदाहरण नहीं दिया, तो अपन ऐसे कह सकते हैं, इट इज मच टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार, ये सेंटेंस है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, इससे पहले मच टू आएगा, मच टू एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, तो ये सेंटेंस इस तरह से सही हो सकता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था किसका, टू मच और मच टू का। इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया था कि मेनी और मेनी ए एन का यूज कैसे किया जाता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। एक है हमारे पास वर्ड मेनी, और एक है हमारे पास वर्ड मेनी ए या ए एन। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क क्या है कि ये तो अनलिमिटेड के लिए यूज होता है, अनलिमिटेड असीमित संख्या, और ये जो है वो लिमिटेड संख्या के लिए यूज होता है, लिमिटेड संख्या। अब यहां पर जो मेनी जो होता है ना, इसके बाद यहां पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, या मैं कह दूं सब्जेक्ट आता है, तो वो कैसा होता है, वो प्लूरल होता है। और इसके बाद यहां पर जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, वो भी प्लूरल होती है। और यहां पर मेनी ए एन के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है। और जो वर्ब होती है वो कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर होती है। मेनी ए एन के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसके बाद दोनों प्लूरल। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे ये क्वेश्चन है कि मेनी स्टूडेंट्स या मेनी बॉयज आर प्लेइंग, मेनी बॉयज आर प्लेइंग
क्रिकेट, बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेनी के बाद बॉयज भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस क्या है, सही है। और अगर हम इसको ऐसे लिखते कि मेनी ए बॉयज इज प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस होता, और इस तरह से नो एरर का। तो ये सेंटेंस का ए पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सेंटेंस का सी पार्ट, डी। तो इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर थी, क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन या सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर बॉय होता, वर्ब तो सही है लेकिन ये बॉय होता। तो ये आज की छोटी सी क्लास, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश के, इनको आपको याद रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डेली नोट करना है, और फिर जैसे ये कॉन्सेप्ट लगभग पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपके कुछ एग्जाम से पहले पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप से 20 क्वेश्चन का 3-4 छोटे छोटे टेस्ट आपसे ले लिए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है। और कुछ मुझे लगेगा कि मेरे मेहनत का कुछ परिणाम आ रहा है, आप लोग देख रहे हो वीडियोस को, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो और मन करेगा इसको बनाने का, नहीं तो थोड़ा फिर मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, फिर मैं आपके लिए कैसे बनाऊंगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यू करना है, तो आप थोड़ी सी ये मदद करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।